डीसी साहब भी वहां मौजूद थे, आज एक महीना सात दिन हो गए, उनके कान पर भी जू नहीं रहे गृह अभी तक। और विधायक का सबसे पहले काम होता है पांचवें दिन आग बुझ के, और वो भी उठ गए थे, उसके बाद विधायक वहां पहुंचे थे। तो ये है, और जब तक हमारे को मुआवजा नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी दिन लग जाएं, हम यहां से नहीं उठेंगे। हमारी तो यही मांग है कि किसानों के खाते मुआवजा आ जाए, हम बिल्कुल खुशी से यहां से अपने घर चले जाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबसे मेरी चर्चा जुड़कर अनुरोध, और जो सरकार ने अपने भी रोड़ा पे बिठाने का विकास करवाया वो तो अपने सपने दे रहा है। हर वर्ग आज रोड़ा पे बैठा है क्योंकि अपने सरकार इतनी बढ़िया बनाई है। अपने 47,000 का वरना कह लिया था, वरना आज अपन रोड़ा बिठा रहा है। क्यों? क्योंकि अपने मन में एक बात थी सरकार बदलन की। अपने बीजेपी के खिलाफ जब जय जय मित्र वोट दिए तो उस टाइम अपने मन में एक भावना थी कि युवा वर्ग आया है और ये कुछ ना कुछ विकास करेगा। लेकिन इसने क्या करा, आपने तो वोट लेकर ने दोबारा उसे वो तीन मजा बैठा जिसका अपन दुखी हो रहे थे। पिछले 7 साल से सरकार ने जो करे अपने गला वो बता दिखाने की जरूरत पड़ी, वो देखने की जरूरत है भाई क्या हो रहा है। हर एक वर्ग रोड़ा पे बैठे है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, और चाहे अपना पूरा किसान हो। इस किसान ने तो सरकार मुंह ऊपर ले रही है, जो परे खजाने भी ताया करेंगी, मुंह मारने की सोच रही है सरकार। क्यों? पिछले 1 साल तक आप रोड़ा पे बैठे थे क्योंकि सरकार ने कानूनी से लागू कर दिए थे। लेकिन मैं एक बात आपने बताना चाहूंगा, अपन जब भी इतने शहरे को भी हुए, वो सरकार ने झूठ बोल के ना वापिस तो ले लिए, तड़के 5 बजे हाथ तो जोड़ दिए, लेकिन उन्हें कानूनों ने सरकार दोबारा से पिछले दरवाजे से लागू करने लग रही है। ये अपनी कमजोरी है। क्यों कमजोरी? क्योंकि अपने जिन नेताओं ने अगुवाई दी थी उन्होंने ठोक का जवाब नहीं लिया सरकार पे। अरे आप सारे जागरूक हो गए हैं तो मैंने वो आपे आगू नेता हाँ आप ले आगे सरकार पे ठोक का जवाब, क्योंकि जब तक आप जागरूक हो गए सरकार तो सवाल नहीं कराएंगे। नहीं, जब तक अपना कोई फायदा नहीं, 1.5 साल रोड़ा पर बैठ कर धक्के खान कर सरकार पर लाठी चार्ज करवाने का। जब आंदोलन था अपन कह करते सरकार जितना लाठी चार्ज करे नहीं उतने हम चार्ज हो रहा, लेकिन एक समय है, समय की स्थिति को देखते हुए अपने आप को जागरूक रखने का। यहाँ मुद्दा सिर्फ फसल मुआवजे का नहीं है भाई, यहाँ मुद्दा हर एक ऐसा मुद्दा उठता है जो हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रही है सरकार। मुआवजा तो सरकार ने मेरा देना है, यार के लोग लेकर आते हैं, ये चवा 2 दिन में दे दो, चवा 4 दिन में दे दो, क्योंकि सरकार ने दे रहा है, जो उसने गलतियां करी है उनको मुंडना पड़ेगा। किसान जागरूक हो चुके हैं, इनका जो युवा वर्ग है वो भी जागरूक हो गया है। आपने इस फसल मुआवजा का अलग एक और बात मैं बताना चाहूंगी, शिक्षा का मुद्दा जो हमारा है उसमें देखो सरकार ने लगातार 2 साल स्कूल बंद रखे कोरोना का नाम लेकर, और अब दोबारा से फिर सरकार ने जा रहा है कोरोना की चौथी लहर घोषित करके ने अरे स्कूल ना गई शिक्षा में फिर तो रोक लगाना चाह रहे। सरकार क्या चाहती, अनपढ़ समाज रहेगा तो जल्दी काबू होगा, लेकिन मैं सरकार ने बताना चाहूँ अब समाज अनपढ़ नहीं रहेगा, लोग जागरूक हो गए हैं। जो लोग जागरूक हुए वो अपने समाज को अशिक्षा से और रूढ़िवादिता से दूर रखना चाहते हैं। जो यहाँ फैला रखे है सरकार ने भाईचारा, जो पारण की बात सरकार कर रही है, हिंदू मुस्लिम जो फैला रखे है, मस्जिद और ये अपने मंदिरों के नाम पर जो झगड़े करवा रखे हैं सरकार ने, इन झगड़ों से ऊपर उठ कर नापा ने एक सुंदर समाज बनाना है। क्योंकि जब भी इलेक्शन का टाइम आया अपने सबने दे रहे हैं सरकार, अपने जात और धर्म के नाम पर बांट दे है, अरे अपा इतने बोले लोग उनकी पकाई में आ जाए, आपस में मरण कटन में तैयार हो जाओ। तो मेरी ये गुजारिश अपने किसान भाइयों से, जो 1.5 साल तक मैं रोड़ा तक कहता हूँ, उस समय ने ध्यान में रखकर वोट दियो आकर, ना तो फिर जो अगली सरकार आएगी उसने अपना डेरा पटिया हुआ फिर अपने नए रोड़ा पे बिठाएगी। और इतना टाइम भी अपने दौरे को नहीं भैया, अपन बार बार रोड़ा पाए जावा, इब अपने दौरे समय है। अगर हमारी सरकार ने आपा रोड़ा पर रखा और आपा घर के भीतर रहा, यो टाइम ही सरकार ने अपने भी दे दिया सीखने का समझन का, ताकि अपने पास अनुभव हो जावे और जो आगे समय आएगा आप अपने भविष्य ने सुरक्षित रख सका। अगर आप लोग ऐसे ही रोड़ों पर बैठते रहे तो सरकार आपका हमारी पीटी ने अपाइज बनाने लग रही है, क्योंकि शिक्षा
बढ़ सका, कितने ही नहीं आगे बढ़ सकते। जब समाज शिक्षित होगा तो सरकार से सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो सरकार का अपन असलियत का देरा पटेगा, सरकार चाहे के है। इस फसल मुआवजे की बात ले लो, अब सारी तहसीला में मतलब मुआवजा दे दिया, एक यह तहसील क्यों बांटी गई भाई? क्योंकि सरकार को पता है बंदर बांध के द्वारा ही भाईचारे को फाड़ा जा सकता है। लेकिन मैं सरकार ने बताना चाहूँ, ईट तो तेरी नैर पर गोटा कर लिया हमने, तेरे सांस लेना मुश्किल हो रहा है, मुआवजा डालती हमारे खाते में, हम गोटा ठा लेंगे भाई, चतु चीयर चतु मुर्गी। और यहाँ के एसडीएम से भी मैं कहना चाहूंगी भैया, तो जल्दी से जल्दी कोई हमारे ऊपर संतुष्ट जवाब दे, नहीं तो आज तो एक गेट का ताला लगा तड़का दूसरे गेट का ताला लगाएंगे। और अब की बार ये बात नहीं है भाई, हम खोल देंगे जब खत्ते में रुपये आने शुरू हो जाएंगे ना, जब उठ कर जाएंगे, बाकी झूठा आश्वासन का हम विश्वास को नहीं करते सरकार का। कोई भी यहाँ पर आए, कोई भी प्रशासन का अधिकारी आए या कोई भी आए, भी झूठे वादे पर विश्वास को नहीं करते हम। बहुत समय हो गया झूठ बोले जाए, हमने शुरू में आग जली हुई अपने यहाँ लिजवाड़ी गाँव में, उस टाइम भी ज्ञापन दिया था, तो डीसी साहब ने बोला था भी आपका मुआवजा जरूर आएगा, वहाँ भी उन्होंने आश्वासन देकर भेज दिया। फिर हमने फसल मुआवजे के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया, उन्होंने 10 दिन का समय दिया और कुछ नहीं होया भाई। तो अब आश्वासन नहीं लेते हम, इब तो तर्क का दिखावांगे, जब हमारे खाते में रुपये पड़न लग जाएंगे, जब उठ कर जाएंगे, दूसरे गेट का भी ताला पक्का ला देंगे भाई। कना ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हम कोशिश करें और सरकार झुका नहीं, हम कोशिश नहीं की बार हम सरकार ने झुका कर घुटने का बल्ला का छोटांगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, एक बार नारे ला दो ताकि मुबेरा पट जाओ, हाँ भाई हम तहसील में बैठे हैं, कोई एसटी में कोई सीआईटी और भाई बैठे हो तो मुबेरा पट जाओ, जोर से जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। और जिस तरह बात अपने मुआवजे की आ रही है, तो मेरे ख्याल में दो तहसील एक पाल संबंध हो रहे हैं, कपड़ा चुलाना में जड़े दो धड़े लग रहे हैं। पाल संबंध हम भी गए थे, हम भी पहुंचे थे पाल संबंध भैया का समर्थन में, तो हम भी उड़ा ऐलान करके आए थे कि भाई तुम धरना लगाओ और धरना पर बैठो, क्योंकि जड़े जड़े तहसील में मुआवजा नहीं मिल रहा, जिन जिन किसानों ने मुआवजा नहीं मिल रहा ना, थोड़ा तो धरने लगाने पड़ेंगे, हमारा तो एक काम है धरना लगाना, क्योंकि यह सरकार इसी है, अपने 2024 तक रोडा पर बिठा कर रखेगी, पिछले 1.5 साल तक रोडा पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने क्यों गया आंदोलन जीत के, तो आंदोलन में जो से अपने मांग रखी थी वो मान ली के सरकार ने, इब तक जिस समझौता पर आंदोलन उठाया था वो मांग मान ली, आज तक एक भी मांग नहीं मानी है सरकार ने, जिस समझौता पर आंदोलन उठाया था सरकार ने, सिर्फ वह चीज उल्टी ली है जो उसने दी थी, मारा गए कानून लेकर दिए थे सरकार ने, सिर्फ कानून वापिस लिए, जो हमने मांग रखी थी ना वो तो सरकार ने इब तक एक भी मांग नहीं मानी है। अपना काम है रोडा पे बिठाने का काम कर रखा है सरकार ने, रियो है विकास से इनका, और दूसरी बात तो हमें तो रोडा पे बैठे बैठे होता हूँ, तो थारे बालक भी रोडा पे बिठा दिया है सरकार ने, रोजगार छोड़ को नहीं रखा बालका का, लाखों हजारों की संख्या में हमने भी उस दिन युवा भैया के साथ ज्ञापन दिया था, जो फौज की भर्ती है तल में भी भाई शहीद होया था, 9 साल तक वो भाई तैयारी करने लग रहा था फौज की, 9 साल तक, और भाई की उम्र निकल गई तो सुसाइड कर लिया, फांसी खा गया, उसे ट्रैक पर जरा तैयारी करा करता, तेरे बड़का खातर भी कुछ नहीं छोड़ रखे इस सरकार ने, इब तो इस सरकार का तो एक के इलाज है, एक के काम है, बस लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करके अपने अपने अधिकार मिलेंगे, बिना संघर्ष के सरकार में आप कुछ देने वाली ये है सरकार। और दूसरा, इनके मंत्री बयानबाजी करे उल्टी, जेपी दलाल है कृषि मंत्री अपना, किसानों ने नहीं पूछा रोहतक में, बोले भाई तब पहले तो मैंने न्यू बता दो, 1 साल आंदोलन के दौरान पहले न्यून गाना तो न्यून लठ लेकर खड़े हो जाओ, और न्यून गाना तो न्यून लठ लेकर खड़े हो जाओ, बोले यो कौन सा मैटर था, तो जेपी दलाल कृषि मंत्री ने बताना चाहना, हमारे किसानों का खाता में ये इतने हमारे किसान बैठे हैं, बार समझ में भी हमारे भाई बैठे हैं, आज उसका जवाब देना चाहवा कि एक भी किसान का हमारा खाता में मुआवजा को नहीं आ रहा, 200-250 किले लगभग है आग जली में नष्ट हो गए हमारी फसल, फसल खराब होता नष्ट होगी, कुछ सरकार भगवान ने मार दी हमारी फसल कपास की जो खराब हो रही है, इतने ये किसान बैठे हैं, एक का भी खाता में पैसे को लिया, कृषि मंत्री ने हम कहना चाहना, या तो इन किसानों का मुआवजा दे दे, वरना वे लठी पी तैयार तरह है, वे लठी पी तैयार तरह सरकार खतरे, या तो हमारे किसानों का मुआवजा दे दे, इन्हें
उन्हीं रोडा पे बैठने का। इनका भी बालक बच्चा है, ये भी अपने घर आए, एसी में पंखा तो आराम तक बैठ सको जो कर तुम बैठो। और दूसरी बात, युवा भैया का भी मजाक उड़ाया, जो युवा आंदोलन कर रहे ना उनका भी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा बोले नौकरी नहीं तो बोले बहू भी बोली भाई 4-4 हजार में बहू लिया ये हमारा साइड तो नहीं कर। ये सरकार की बयानबाजी, एक तो नारे दे वे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के, एक 1.5 साल तो सारी बेटी रोड पे बैठी, रूप पर इनके जबान तो ये लिखना 4-4 हजार में, वे भी किसे की बहू बेटी है? जोर से ना तुम 4-4 हजार में रेट लाओ, जोर से की 4-4 हजार में बोली लाओ। शर्म आनी चाहिए इन मंत्रियों ने संवैधानिक पद को, कन्हार 4-4 हजार ये देश की बेटिया का मतलब रेट लाओ है। लेकिन हमारे भी युवा भैया ने ऐलान करा था बीजेपी दलाल का, जब तेरा बहु बेटी है नहीं 4-4 हजार ये युवा दे देंगे, तू दे दे फिर हमारे हरियाणा के युवा ने तेरी बहन बेटी। शर्म आनी चाहिए इन विधायकों ने, इन मंत्रियों ने। और आज मैं कहना चाहूंगी अपने, क्योंकि कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया था, 10 दिन का टाइम दिया था अपने जुलाना के जो एमएलए है अमरजीत डांडा जी, 10 दिन का टाइम दिया था। तो मैं कहना चाहूंगी कि एक बार इस झुलाने की जनता ने आपको वोट देकर का बनाया है, तो आज ये झुलाने के किसान रोड पे बैठे हैं इतनी गर्मी में बैठे, तो विधायक जी ने एक बार आकर पूछना चाहिए कि आखिर क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ झुलाना की जनता विधायक अंडर मावे तो उनका फर्ज बना है अपने किसान ना, तो अपना भाईचारा तो आकर पूछण का भी किस मारे काम रोड पे बैठे हो। और वरना तो फिर हम इस सरकार तक कहना चाहवा, इस प्रशासन तक कहना चाहवा कि आज न्यू ना देखो भी संख्या थोड़ी है, एक बार प्रशासन मारे किसान बुजुर्ग ने या फिर मारे किसी भी माता बहनों ने छेड़ने की कोशिश कराना ना प्रशासन, तो संख्या तो हमारी बहुत हो जाएगी और उसका खामियाजा फिर सरकार ने भुगतना पड़ेगा। सरकार यह भी ध्यान रखी हो, यू ना सोचो कि भाई यार 30-40 भाई बैठे हैं, कुछ भी सरकार करवाओगी, प्रशासन कुछ भी करेगा, लाठी चार्ज करेगा या कुछ करेगा। तहसील का तो ताला ना दिया, तो एक गेट का ताला लगाया, काम चल रहा है इनका, लेकिन दूसरा गेट का भी कल ना ताला ला देंगे भाई, जब हमारे किसान ना कमुआ हो जाए नहीं आओगा, क्योंकि हमारे ये बुढ़े गर्मी में बैठने खतर कोनी है, गर्मी में बैठने खतर कोनी है। काम इनका भी बंद होगा जब ये अपना सारा काम धाम छोड़कर यारे बैठेंगे ना, तो काम तहसीलदार वाला तहसील वालों का भी बंद होगा और फिर उसका खामियाजा सरकार ने भुगतना पड़ेगा। आज संख्या कुछ आई है तो यहाँ पर मातृशक्ति भी बढ़ चढ़ कर कावेगी, क्योंकि आज शाम तक का टाइम दे रखा भी मुआवजा थरा रहे और शाम तक का खाता में डलवा देंगे थारे कल तक, तो कल तक का हमने वेट करे। अगर कल तक हमारे किसानों का खाता में मुआवजा नहीं आओगा तो इनका दूसरा गेट का भी ताला ला दिया जाऊंगा। इन्हीं सप्ताह के साथ धन्यवाद, और मैं कहूंगी कि ताऊ जी हिम्मत ना हारियो, पब्लिक अपने पक्ष में ऊपर ये चुनाव होगा, बोलो ना मर्जी तो ठंडा विधायक बना था पागल होकर ने, तो फिर मैं कहना चाहूंगी विधायक जी तभी आपने एक बार आकर समस्या सुननी चाहिए, वरना फिर इसका खामियाजा सरकार ने भुगतना पड़ेगा और बहुत गहरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, और एक बार जोरदार नारे लगाओगे क्योंकि आवाज तो इस सरकार के कानों तक जानी चाहिए ना। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।